अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गया लेकिन ये कि मजबूरी है, अब चूंकि कैलकुलस पढ़नी है तो फिर मुझे फिर से आना ही पड़ेगा। तो ये है कि अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 24 करते हैं कैलकुलस का, और इसमें भी कुछ बातें करेंगे। अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम हो, पिछली दफ़ा हमने जो बात की थी इसकी, अप्लाइड मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन और इन जनरल थियोरेटिकल जो बातें थी, वो अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ मेक श्योर, अभी तक कुछ आपने रिस्पांस दी है उसकी, बट अगेन क्रूशल आइडियाज़ थे वो जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, तो मेक श्योर दैट यू मेक श्योर दैट यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैम। आई मीन क्रूशल तो सारा ही ज़ाहिर कोर्स है, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग आमतौर पर कहते हैं जी मैथ वो वाली अच्छी होती है जिसमें जिसको हम अप्लाई कर सकें, जिसको हम यूज़ कर सकें, जिससे कि थ्योरेटिकल ना हो बेसिकली। तो ये जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी बातें ऑप्टिमाइजेशन की, मेरे ख्याल से इससे बेहतर एग्जांपल कोई नहीं मिलेगी आपको मैथ में और ख़ास तौर पे कैलकुलस में, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस टॉपिक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, थ्योरेटिकल टॉपिक्स की एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दैट वाज अ क्रूशल टॉपिक, क्रूशल लेक्चर। कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर यू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। तो आगे चलते हैं, आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। आज क्या हम बातें करेंगे, आज बेसिकली टॉपिक्स हमारे कुछ यूँ हैं, बेसिकली न्यूटन्स मेथड एक है चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके अलावा कुछ दो तीन चीज़ें और हैं। जो बेसिक आइडिया है वो है जनाब न्यूटन्स मेथड, रोल्स थ्योरम एंड द मीन वैल्यू थ्योरम। ये तीन चीज़ें हैं जो आज का लेक्चर जिस पे बेस्ड होगा। न्यूटन्स मेथड क्या होता है, बेसिकली न्यूटन्स मेथड इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग सोल्यूशंस टू द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल ज़ीरो, यानी एफ ऑफ एक्स ऑफ कोर्स इज़ अ फंक्शन एंड देर आर सर्टन फंक्शंस विच फॉर विच यू कांट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ विच बेसिकली मेक द फंक्शन ज़ीरो, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल ज़ीरो की बात हो रही है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम ज़ाहिर है न्यूटन्स मेथड जब कर लेंगे तो कुछ उसकी प्रॉब्लम्स भी हैं उस मेथड में, न्यूमेरिकल मेथड है तो उसके हम एड्रेस करेंगे, क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं न्यूटन्स मेथड में। इसके अलावा फिर हम रोल्स थ्योरम देखेंगे वो क्या होता है, और फिर आखिर में मीन वैल्यू थ्योरम हम देखेंगे। तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ऑफकोर्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये जो बल्कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों जो हैं दे बेसिकली आर रिलेटेड टू ईच अदर। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो इसकी जनरलाइजेशन है इन अ सेंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो वही बात है कि ख़ासतौर पर जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये एक ऐसा थ्योरम है, मुझे याद है कि जब मैं काफ़ी एडवांस्ड कोर्सेज ले रहा था, रियल एनालिसिस जिसे एक सब्जेक्ट होता है, उसमें तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ज़ाहिर है उस वक्त तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था कि जी मैथ क्या होती है, व्हाट्स यू नो, हम भी एक स्टूडेंट थे। तो उसमें ये हुआ कि एक जगह एक बड़ा पावरफुल सा एक थ्योरम था जो लिखा हुआ था, और उसके प्रूफ के लिए उन्होंने मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल किया। तो जब मैंने वो देखा, मीन वैल्यू थ्योरम या आमतौर पर जिसे MVT भी कहते हैं, तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि जी इतनी हाई लेवल बुक और यहाँ पे, और जो टेक्स्ट बुक मैं पढ़ रहा था और इतना हाई लेवल टॉपिक, और यहाँ पे ये मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने बिल्कुल शुरू में कैलकुलस में यानी पहले कोर्स में मैथ 101 में पढ़ा था तो वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो वही बात है कि ज़ाहिर है वो जो थ्योरम मैंने देखा वो जनरलाइजेशन थी ऑफ दिस मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन बात वही है कि आइडिया जो इसमें इनकैप्सुलेटेड है इस थ्योरम में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। होपफुली वील सी कि वो क्या है और आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे फिलोसॉफिकली भी, कि उसके पीछे जो फिलोसफी इन्वॉल्व है दैट्स ऑल्सो वेरी यू नो इंटरेस्टिंग एंड वी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट इट। अच्छा जी, तो अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो न्यूटन्स मेथड से स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन्स मेथड होता क्या है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जी न्यूटन्स मेथड जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है जिसे एल्गोरिदम भी कहते हैं। आगे चल के आप लोग जब मेरे हाथ से डिस्क्रीट मैथ वगैरह पढ़ेंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, तो उसमें एल्गोरिदम्स की बात होती है कि एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या होते हैं। दीज आर प्रोसीजर्स, दे आर काइंड ऑफ यू नो एक तरह की रेसिपी होती है। जैसे हम खाना पकाते हैं किचन में, तो जी अगर हमें पाउंड केक बनाना है तो उसकी खास रेसिपी है जिसको हम फॉलो करेंगे एंड विल गेट अ पाउंड केक ऑलवेज, यानी जब भी हम वो रेसिपी फॉलो करेंगे विल गेट अ पाउंड केक। तो ये एल्गोरिदम होता है एक तरह का। एल्गोरिदम बेसिकली टेक्निकल मीनिंग है उसकी रेसिपी की। तो ये जो एल्गोरिदम है ये भी बेसिकली वही उसी तरह की एक चीज़ है, रेसिपी है
जिस तरह पाउंड केक बनाते हैं, उस तरह से मैथमेटिक्स में या टेक्निकल फील्ड्स में जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, इसमें हम इसको एल्गोरिदम कह देते हैं बेसिकली। और ये एल्गोरिदम अगर आपको शायद याद हो, शायद पढ़ा हो या सुना हो आपने, कि इसकी इसका इस वर्ड का बैकग्राउंड क्या है एल्गोरिदम का। ये बैकग्राउंड जो है ये भी अपने जो एक हमारे मशहूर मैथमेटिशियन थे इन द मुस्लिम एंड इस्लामिक अरबिक कल्चर के, अलख्वारज्मी। तो इट्स बेसिकली अ डेरिवेशन फ्रॉम हिज नेम। अलख्वारज्मी का नाम जब लैटिनाइज होते होते यूरोप में पहुंचा तो इसको एल्गोरिदम बन चुका था। तो जब भी हम कहते हैं जी एल्गोरिदम, तो कुछ कुछ ये बल्कि लॉगरिदम से भी मिलता है जो हमने जिसके बारे में पहले बात की थी, लेकिन इन दोनों की, लॉगरिदम की और एल्गोरिदम की, कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, टोटली डिफरेंट थिंग्स। लेकिन ये कि अलख्वारज्मी और एल्गोरिदम आर द सेम थिंग। अलख्वारज्मी अरबिक में, इनका नाम जब चेंज हुआ इन टू लैटिन इन यूरोप, इट टर्न इन टू एल्गोरिदम। तो ये एक बड़ा एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है, और हमें अच्छा फील करना चाहिए कि हम एल्गोरिदम को तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे इट्स जस्ट अ वेरी यू नो वेरी वेस्टर्न थिंग। ठीक है तो ऑफ कोर्स दे हैव डेवलप दिस आइडिया, बट द रूट्स ऑफ दिस थिंग आर एक्चुअली फ्रॉम आर ओन कल्चर, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट डेफिनेटली। अच्छा जी, तो अब ये इसकी मजीद बात करते हैं कि ये जो खास पर्टिकुलर एल्गोरिदम जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रोसेस न्यूटन्स मेथड, ये क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जी ये सॉल्यूशंस अप्रोक्सीमेट करता है टू द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो। तो अब ये कि एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो से क्या मतलब है। एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो का मतलब है कि जी कोई फंक्शन है आपके पास एफ या एफ ऑफ एक्स, और उसको आप अगर उसकी एक इक्वेशन है आपके पास, एक एक्सप्रेशन है, उसको अगर आप जीरो के बराबर सेट करेंगे तो वो क्या मानी रखता है। व्हाट डज इट मीन टू से एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो। तो ये आप हमने बहुत पहले बात की थी जब फंक्शंस की बात हुई थी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो का मतलब होता है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द इक्वेशन, आई एम सॉरी, एंड या ये भी कह सकते हैं कि द सोल्यूशन रूट्स के अलावा हम ये भी कहते हैं जीरोज ऑफ द इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन है इसको इन टर्म्स ऑफ सम वन वेरिएबल एक्स, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे सारा कुछ जो है वो एक एक्सप्रेशन है, एल्जिब्रेक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स, और राइट हैंड साइड पे जीरो है। तो सवाल ये होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि वो कौन से एक्स के, कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए एक्स की जो आप लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे एक्सप्रेशन में, तो जीरो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और वो मैच करे राइट हैंड साइड पे जो जीरो है उससे। वही बात होगी कि यू शुड गेट अ ट्रू स्टेटमेंट, जीरो इक्वल जीरो। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू व्हेन यू से दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो। अच्छा ठीक है, ये हमने इसके बारे में देखा भी था कुछ बहुत पहले जब हमने बात की थी। वी डिड एक्चुअली फाइंड जीरोज ऑफ सर्टन फंक्शंस, सर्टन इक्वेशंस। तो सवाल ये कि ये वो तो हमने देखी थी ऐसी कि मिसाल के तौर पे कुछ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें, तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, जैसे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसको अगर आप, ये तो खैर जनरल इक्वेशन है, इसको अगर आप पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, कह सकते हैं जी 2x² प्लस 4x प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल, या -1 कर लीजिए जो भी, और इसको आप सेट करते हैं इक्वल टू जीरो। तो अब सवाल ये है कि कौन सी एक्स की वैल्यूज होंगी जो आप इसमें डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ताकि रिजल्ट जीरो आ जाए। तो ये इसका सलूशन हमें पता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप मालूम कर सकते हैं। हमेशा रियल नंबर सलूशन आता है, अगर कोई वायलेशन ना हो रही हो एक खास किस्म के रूल की, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाता है हमें, उसकी बात नहीं की थी हमने। हमने ऐसी देखी थी जहाँ पे रिजल्ट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलवेज गिव्स यू एन आंसर। और उसमें रियल नंबर्स की जब बात हो रही होती है, वी कैन ऑलवेज स्पेसिफाई सर्टन कंडीशंस एंड वी ऑलवेज गेट एन आंसर। इसके अलावा फैक्टर भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अगर आप बात करें कि जी मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि हम कहते हैं जी ए एक्स क्यूब ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स जीरो, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, यानी हाउ डू वी सॉल्व दिस। इसमें वही बात है कि क्यूबिक इक्वेशन है, यानी अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल देखना चाहें तो यू कुड हैव समथिंग लाइक 3x³ 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x+1 फॉर एग्जांपल, एंड दैट शुड इक्वल टू जीरो। तो सवाल ये है कि इसमें कौन सी एक्स की वैल्यू डाली जाए जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरो का रिजल्ट ले आए। तो क्यूबिक के लिए भी एक फार्मूला है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है,
क्यूबिक इक्वेशन का एक क्यूबिक फार्मूला होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है ये। मेरे हाथ से अगर आपने नहीं देखी कभी ये क्यूबिक फार्मूला तो इट्स नो वंडर, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग फार्मूला। टू डिराइव इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन मकसद ये कहने का कि इन दोनों केसेस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में, आपके पास एक कुछ फार्मूलाज हैं, एल्जेब्रिक फार्मूलाज, जो आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं उन एक्सेस की, जिनको आप इसमें डालेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आएगा। तो ये सारा मकसद होता है। अब सवाल ये है कि अगर ठीक है यहाँ पे हम क्यों रुकें, क्वाड्रेटिक हो गई पावर टू वाली इक्वेशन, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं बाय द वे, अगर आप गौर करें वी टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स ऑफ हायर एंड हायर डिग्री। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं व्हाट इफ यू हैव अ पावर फोर, यानी ए एक्स टू द पावर फोर प्लस ऑल द लोअर टर्म्स इक्वल जीरो, इसका कोई सोल्यूशन, कोई फार्मूला है एल्जेब्रिक फार्मूला जो आपको इसका सोल्यूशन दे दे हमेशा? सो हैपेंस दैट हाँ जी वाकई है एक फार्मूला। अगेन ये तो वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, इसके लिए तो बड़ी एफर्ट की गई थी, एंड इट डज एग्जिस्ट। अगर आप देखना चाहें यू कैन ऑलवेज सर्च द इंटरनेट। इसको आमतौर पर पावर फोर इक्वेशन जो होती है पॉलिनोमियल की इस टाइप की, इसको हम क्वार्टिक इक्वेशन कहते हैं। इस पर आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट सम लिटरेचर ऑन इट and it'll tell you it should contain the formula involved, algebraic formula that actually gives you the solution to a quartic equation equals zero. अच्छा अब बात आती है fifth power degree power की जो equation है, यानी अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे, ये तो ख़त्म ही नहीं होंगी। जी हाँ, ख़त्म तो कभी नहीं होती, लेकिन fifth पे जाके बड़ा interesting एक situation create होती है। power five की जो polynomial equation होती है, यानी a times x to the power five plus all the lower terms, इसमें ये खासियत है कि इसका कोई जनरल एल्जेब्रिक फार्मूला नहीं है। यानी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला हमने देखा, हम बड़े यूज्ड टू हैं कि एक जनरल फार्मूला है जो हमेशा आंसर देता है, एग्जैक्ट वैल्यूज देता है उन एक्सिस की, जिनको अगर क्वाड्रेटिक में डाला जाए वापस तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी जीरो और राइट हैंड साइड पर भी। इसी तरह से आप अगर कहें कि जी हमने देखा कि क्यूबिक में भी एक ऐसा फार्मूला है पावर थ्री इक्वेशन में, क्वार्टिक में भी है पावर फोर जिसे कहते हैं, तो पावर फाइव में ऐसा नहीं है। इसके पीछे बड़े मज़ेदार एक स्टोरी है, बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है असल में, कि हुआ ये कि दिस प्रॉब्लम ऑफ बेसिकली फाइंडिंग द जीरोस या फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ ए डिग्री फाइव पॉलिनोमियल, इसकी जो सॉल्यूशंस थे उसका एक जनरल फार्मूला ढूंढने के लिए टुक बेसिकली अबाउट 2000 ईयर्स टू फिगर आउट फाइनली दैट सच अ फार्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके पीछे काफ़ी पुराने ज़माने में भी कुछ कहानियां हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो अकर होती हैं, जो अकर किया जिन्होंने, दैट टुक प्लेस अबाउट 1800s में, यानी अर्ली 1800s। और उसमें दो कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे कहानियां सुना रहा हूँ आपको, बट वी शुड लुक एट दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जी वाई इज़ मैथ द वे इट इज़, कुछ इसके पीछे कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनका एक मेजर रोल होता है। तो उनके बारे में बताना चाह रहा था कि सबसे पहला जो मेजर करेक्टर था वो थे आबल, जिन्हें कहते हैं, या एबल भी कहते हैं, ए बी ई एल, नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन। इन्होंने, ही वाज़ द फर्स्ट वन बेसिकली हु प्रूव्ड दैट ए पावर फाइव इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, हैज नो जनरल फार्मूला विच विल ऑलवेज गिव यू द सोल्यूशन, यानी ऑलवेज गिव यू दोज एक्स वैल्यूज विच इफ यू पुट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन यू गेट अ जीरो। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू थी बेसिकली, यानी 2000 साल पुरानी एक प्रॉब्लम थी जिसको फाइनली आबल ने सेटल किया था। और उसके साथ उनकी, अनफॉर्चुनेटली आबल हैड अ वेरी स्ट्रेंज लाइफ, काफ़ी गरीब आदमी था, बहुत बड़ा ख़ानदान था, इसके अलावा ही वाज अ मैथमेटिशियन बेसिकली। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रॉब्लम इसने अभी हमने कहा भी कि सॉल्व की, वो ये थी कि जो जनरल फिफ्थ डिग्री इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसका कोई जनरल सोल्यूशन फार्मूला नहीं होता, एल्जेब्रिक फार्मूला, जो हमेशा आपको बता दे कि कौन सी वैल्यूज एक्स की आपको जीरो देंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने रिकग्नाइज नहीं किया इसको, इसकी इस बात को, लोगों ने कहा जी पागल है क्योंकि जब भी कोई नया आइडिया आता है पीपल यूजली से दैट कि भाई ये तो क्या, ये तो बहुत ही अजीब बात कर दी ये। नहीं, आबिल पहला आदमी था जिसने एक्चुअली ये कहा कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की कि इट्स पॉसिबल that a fifth degree equation in general does not have a solution does not have a formula, algebraic formula, that will basically tell you what those values are for the solution.
तो ये एक काफ़ी बड़ी ब्रेक थ्रू थी जिसको हम क्रेडिट करते हैं आबिल को, और इंटरेस्टिंग फेलो. इसके अलावा एक और कैरेक्टर मेजर था जिसका नाम था गैलवा. इट्स अ फ्रेंच नेम, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. फ्रेंच नेम्स आर यूजुअली लाइक दैट. मेरे लिए तो इट्स अ वेरी गुड नेम, क्योंकि जो साहब थे ये गैलवा साहब, ही वॉज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और वह बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. ही मेडल्ड अ लॉट इन दी अर्ली 1800s पॉलिटिक्स ऑफ फ्रांस, और इसी वजह से ही बेसिकली गॉट एग्जीक्यूटेड इन अ ड्यूल ऑफ सोर्ट्स. वो ड्यूल होती थी पुराने ज़माने में, जब दो लोग ऐसे पीठ से चलते थे आगे जाके, एंड देन दे वुड टर्न अराउंड एंड शूट ईच अदर, वन ऑफ देम वुड डाई. दैट्स वॉट हैपन टू गैलवा. ही डाइड, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 21. स्टार्टेड डूइंग मैथ व्हेन ही वाज 16, एंड इन द प्रोसेस ही बेसिकली प्रूव्ड अ वेरी सम वेरी ब्यूटिफुल थियरम्स. एंड उसमें एक जो था वो बेसिकली ऐसा थ्योरम था जो कंप्लीट करता था आबिल के काम को. आबिल ने जो काम किया था उसको गैलवा ने बहुत ही जनरली जनरल फॉर्म में पोर्ट्रे किया, एंड दैट इज़ वाई टुडे वी हैव समथिंग कॉल्ड गैलवा थ्योरी. इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नेम्ड इन द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैथमेटिशियन गैलवा, एंड इट्स वॉट इट इज बेसिकली. वी वॉन्ट गैरेंट टू, लेकिन पॉइंट वही जो डिटेल्स हैं वो तो हम नहीं जानेंगे इसमें, क्योंकि जानना चाहेंगे क्योंकि इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कोर्स. लेकिन ये बात है कि इट वॉज अ कम्प्लीशन ऑफ आबल्स वर्क. अच्छा, अब बात ये कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस हिस्ट्री, वाई आर वी यू नो बेसिकली डीलिंग विद दिस. पॉइंट ये है कि ये जो खास किस्म की इक्वेजन्स होती हैं, पॉलिनोमियल इक्वेजन्स ऑफ डिग्री 5, इन जनरल इनका सोल्यूशन नहीं होता. यानी अगर आप इनको फंक्शन के तौर पर देखें, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x to the power 5 प्लस सम बंच ऑफ लोअर टर्म्स, लोअर डिग्री टर्म्स, और इसको आप 0 के बराबर सेट कर दें, तो आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं होगा, एल्जिब्रेक फार्मूला, जो आपको ये सोल्यूशंस दे दे एक्स वैल्यूज़ का. तो लिहाजा हेयर इज वेयर वी कैन सी द नीड टू यूज न्यूटन्स मेथड. तो आइए इसको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स लुक एट दिस कि ये न्यूटन्स मेथड है क्या. वॉट इज दिस एन एल्गोरिदम, वॉट डज इट डू, हाउ डज इट वर्क, लेट्स लुक एट दैट. अच्छा जी, तो इसको जो एल्गोरिदम है इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो न्यूटन्स मेथड है ये क्या है और कैसे काम करता है. मकसद ये है कि अगर मैं आपको कोई एक जनरल सी इक्वेशन दूँ, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल कुछ की देखी के बातचीत की के पावर फाइव जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनका कोई जनरल फार्मूला आमतौर पे नहीं होता. तो अगर मैं ऐसी कोई आपको इक्वेशन दे दूँ और उसको सेट कर दूँ इक्वल टू 0, और आपसे कहूँ कि जी एक्स की वैल्यूज मालूम करें जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बना देंगी, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बेसिकली. तो वो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है तो हम मालूम नहीं कर सकते, बट वी कैन अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन, कि हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अंदाजन करीब करीब आ सकते हैं उन वैल्यूज़ के नॉन एल्जिब्रिक तरीक़ों से जो हमें बताएंगे कि जी अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ दी आंसर. तो इसको ये अप्रॉक्सीमेशंस के लिए न्यूटन्स मेथड इस्तेमाल होता है. तो इसको अब देखते हैं डिटेल में कि हाउ डज इट वर्क, लेट्स लुक एट दैट. सपोज दैट वी हैव एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, एंड वी वॉन्ट टू अप्लाई न्यूटन्स मेथड ऑन इट. सो द वे इट वर्क्स इज दैट वी सपोज दैट एक्स इक्वल्स आर इज द सोल्यूशन दैट सोल्यूशन वी आर लुकिंग फॉर. यानी एक्स इक्वल्स आर वो इक्वेशन नंबर है जो रूट है, जो सोल्यूशन है एक गिवन इक्वेशन का. अभी हम नहीं जानते वो इक्वेशन क्या है, बट इट्स सम इक्वेशन एंड दैट्स द सोल्यूशन टू इट. तो लेट्स अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन बाय एन इनिशियल गैस एंड लेट्स कॉल इट एक्स सबस्क्रिप्ट 1, यानी एक्स 1. तो बात यह है कि गैस कहाँ से आ गया. आप पूछेंगे कि जी वाई आर वी गैसिंग समथिंग, तो उसका जवाब ये है कि दिस इज हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स, दिस इज हाउ न्यूटन्स मेथड वर्क्स, वी हैव टू मेक अ गैस टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विद इट. तो ठीक है, एक तरह का ड्रॉबैक है, लेकिन ये गैसिंग के लिए भी कुछ तरीके होते हैं. आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आजकल तो वी हैव कैलकुलेटर्स एंड ग्राफिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स, वी कैन ऑलवेज ग्राफ द इक्वेशन गिवन टू अस एंड लुक एट द ग्राफ, एंड देन वी कैन फ्रॉम दैट ग्राफ वी कुड अप्रॉक्सीमेट, विजुअली अप्रॉक्सीमेट कीजिए कौन सी जगह है जहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. क्योंकि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वही वो जगह होती है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, रिमेंबर दैट. तो वो वही बात है कि हम वहाँ पे अंदाज़ा कर लेंगे कि जी ये एक खास इंटरवल के दरमियान है, 1 or 2 फॉर एग्जाम्पल. तो हम कहेंगे कि जी 2 जो है दैट्स आर इनिशियल गैस एक्स 1, और हम ऐसा अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज दैट इनिशियल गैस एक्स 1 टू एक्चुअली गेट टू दी वेरी क्लोज टू दी ओरिजिनल द रियल आंसर आर दैट वी लुकिंग फॉर. लेट्स कंटिन्यू. सो वी ड्रॉ अ लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन
एट द पॉइंट एफ ऑफ एक्स वन. तो ये हमारा इसका दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा. पहले तो हमने एक नंबर स्टेप है कि जी मालूम करना है, वी कॉल इट आर. फिर एक इनिशियल गैस बनाते हैं एक्स वन, और उस एक्स वन पे हम एक लाइन, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू एक्स वन. एक्स वन जाहिर है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पर एक वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स वन. तो उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है जी, दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. अब आगे देखते हैं और स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं. ये देखना होगा कि इफ द टेंजेंट लाइन इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन इट विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट एक्स टू विच विल इन जनरल बी क्लोजर टू आर देन एक्स वन. ठीक है जी, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कि बेसिकली जो आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी, अगर ये आपका मिसाल के तौर पे ग्राफ है, यहां पे आपने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन जब आप अगर पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के, यानी इसका स्लोप जीरो नहीं है, तो जाहिर है ये एक्सटेंड करेगी ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में. तो जब नीचे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल इवेंचुअली हिट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच विल कॉल एक्स टू. तो इन जनरल ये होता है कि अगर आपने एक्स वन इनिशियल गैस की थी और वहां से आपने एक लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ की कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रॉम अ पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स वन ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो वो टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को एट अनदर पॉइंट कॉल इट एक्स टू विच विल बी अ लिटिल बिट मोर क्लोजर टू द आंसर यू लुकिंग फॉर आर, मोर क्लोजर टू आर देन एक्स वन. ठीक है जी, आगे देखते हैं और स्टेप्स क्या हैं. इसके बाद जनाब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये है कि जस्ट रिपीट द प्रोसेस, यानी वी विल रिपीट दिस प्रोसेस विच वी सॉ इन द अर्लियर स्टेप्स एंड देन वील बेसिकली टेक ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन टू अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दैट corresponds to x2. So basically we'll draw a tangent line at f of x2 that meets the x-axis at x3 and so on and on and on. Yahan pe ek figure bana lete hain, ye dekh lijiye figure hai. It's an example of what, how we can use Newton's method basically, and I think this will tell you what we are trying to do. To ye janab aapke process steps hain involved न्यूटन्स मेथड का के अंदर, यानी जो एल्गोरिदम है इसकी, ये पूरा फिलॉसफी है इसकी, बैकग्राउंड ये है कि इस तरह का प्रोसेस आप करेंगे तो इन जनरल यू विल गेट पॉइंट्स विच गेट इवेंचुअली वेरी क्लोज टू द रूट और द सॉल्यूशन दैट यू लुकिंग फॉर टू द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो. अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया कि जी ठीक है, आपके पास अब थोड़ा सा समझ आ गया कि मकसद क्या है. अब पॉइंट ये है कि हाउ डू वी वर्क विद दिस प्रोसेस, हाउ डू वी वर्क विद दिस मेथड. कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस मेथड को हमें एक यानी कोई ऐसा फॉर्मूला बना लें इस मेथड से जो हमें कैलकुलेशंस करने में आसानी करे, तो वो बिल्कुल हम कर सकते हैं. आइए इसको डिटेल में देखते हैं. ये नोट कीजिए कि जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की थी एट एक्स वन हैज द इक्वेशन वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स f prime at x1 times x2 minus x1. Let's call that capital A. तो ये तो basically line equation हो गई tangent line की at the point जो हमने अभी draw की थी at the point f of x1, right? तो जब भी जाहिर है उस tangent line का slope क्या होगा, it'll be the derivative of the function evaluated at the point x1. ये आपके पास आ गई. अब इसको थोड़ा सा इसके साथ कुछ manipulations करते हैं algebraic. तो आप देखिए कि सबसे पहली condition तो ये कि अगर डरेवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी एफ प्राइम जो है वो जीरो के बराबर नहीं है एट द वैल्यू एक्स वन देन द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट एक्स टू कॉमा जीरो. चूंकि एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है तो वाई वैल्यू जीरो होगी. अब इसको अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें ए में, देन वी गेट माइनस एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ प्राइम एक्स वन टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन. इसको अगर एक्स टू के लिए सॉल्व करें तो वी कैन डू दैट एंड वी गेट एक्स टू इक्वल्स एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स वन. तो ये जनाब आपका वैल्यू आ गई आपके पास बेसिकली ऑफ ये फॉर्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टू इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस स्टेप. यानी एक्स वन तो हमने गैस किया था तो ठीक है, उसकी वैल्यू तो पता है. एक्स टू की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, वो मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल गैस. अब इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करें तो क्या होता है,
तो उससे ये होगा कि बेसिकली हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा, यानी अगर हम एंड दफ़ा इसको प्रोसेस को करेंगे तो इस प्रोसेस जो अभी हमने एग्जांपल की एक्स टू की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हुए इसी को जनरलाइज अगर हम कर दें तो किसी भी एंथ पॉइंट की हम एक फार्मूला लिख सकते हैं उस एंथ पॉइंट के लिए। कैसे, इसको देखते हैं कि इस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करें, फॉर एग्जाम्पल अभी एक्स टू की वैल्यू आ गई तो एक्स टू पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स टू से कॉरस्पॉन्ड जो करता है ग्राफ पे पॉइंट, वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर उसका स्लोप जीरो नहीं है तो वो एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस को, लेट्स कॉल इट एक्स थ्री कॉमा जीरो, और इसकी वैल्यू अगर डालें हम इक्वेशन ऑफ द लाइन में ए में तो रिजल्ट आता है माइनस एफ ऑफ एक्स टू इक्वल्स एफ प्राइम ऑफ एक्स टू टाइम्स एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर एक्स थ्री। तो ये अब हमारे पास एक्स थ्री की वैल्यू आ गई। अब नोट करें कि एक तरह का लिमिटिंग प्रोसेस है इसके अंदर और इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ये जो अभी एक्स थ्री के लिए हमने वैल्यू मालूम की फार्मूला डिराइव किया इसी को जनरलाइज अगर करें तो जनरल फार्मूला आता है एक्स सबस्क्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल्स एक्स सब एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स एन। तो जनाब ये आपके पास आ गया न्यूटन्स मेथड का एक फार्मूला, एक एल्गोरिदम। तो हमने देख लिया था क्या एल्गोरिदम है, उसका एक फार्मूला भी आ गया। एक तरीके से आप इसके अंदर वैल्यूज जितनी भी मालूम करना चाहें इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक लिमिटिंग प्रोसेस है, बिल्कुल है, क्योंकि आप जो रूट मालूम करना चाह रहे हैं, जो सोल्यूशन मालूम करना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी नहीं मालूम शायद कर सकें, लेकिन आप उससे बहुत करीब जरूर आ सकते हैं। ये अब तक एविडेंट हो गया होगा कि जो हमने एक पिक्चर भी देखी थी, ये जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली अगर ग्राफ ऐसे है तो बहुत सारी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही हैं, जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं रूट से करीब होते जा रहे हैं, सॉल्यूशन से करीब होते जा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है न्यूटन्स मेथड का। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। इक्वेशन है जनाब एक्स इक्वल्स कोसाइन एक्स। अब इसमें यह है कि हमें मालूम है कि दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन बिटवीन द नंबर्स 0 एंड 1। वी हैव टू अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग न्यूटन्स मेथड। सो हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी फाइंड दिस नंबर एक्स सच दैट दैट नंबर एक्स इक्वल्स कोसाइन ऑफ दैट नंबर एक्स। तो ये हमें मालूम करना है। पता ये है कि जी 0 और 1 के दरमियान ये इसका सोल्यूशन है। तो अब इसमें फंक्शन कोई नहीं है, लेकिन हम फंक्शन बना सकते हैं इफ वी राइट एक्स इक्वल्स कोसाइन एक्स एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस कोसाइन एक्स इक्वल्स 0। तो यानी एक्स माइनस कोसाइन एक्स इक्वल 0 हो जाएगा और वही हमारे पास बात आ जाएगी कि इसके रूट्स मालूम करने, सॉल्यूशंस मालूम करने। तो आइए इस पे अप्लाई करते हैं न्यूटन्स मेथड। इसमें देखिए कि डेरिवेटिव क्या है इसका। एक्स माइनस कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स इक्वल्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। सो वी हैव यूजिंग द फॉर्मूला, जो फार्मूला हमारे पास था कि एक्स एन प्लस 1 जो होगा वो बराबर होगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस कोसाइन ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स एन। इसका एक ग्राफ भी है आपके सामने, अभी देख लीजिए। हियर इज द ग्राफ ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस ग्राफ के हवाले से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग फॉर। अच्छा, इस ग्राफ में देखिए कि ग्राफ से जाहिर होता है कि जो सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं वो 1 से ज्यादा करीब है बजाय 0 के। तो इसमें यह है कि हमें एक इनिशियल गैस जो बनानी है एक्स 1 की, उसको हम 1 ले सकते हैं क्योंकि ग्राफ से जाहिर हो रहा है कि इट्स क्लोजर टू 1। सो लेट्स से एक्स 1 इक्वल्स 1 एंड लेट्स डू द कैलकुलेशंस। अब देखिए कि x2 मालूम करना है, x1 हमें मालूम है, तो आपके सामने ये कैलकुलेशंस हैं। x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मालूम करें, x1 1 है तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.7503। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वैल्यू मालूम करें x3 की, और इसमें हम x2 की जो ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं वैल्यू वो इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आता है 0.7391। और इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे एंड वील सी दैट After a while, ये decimals change नहीं होंगे 4 decimal places के बाद, and we can just pretty much say that the answer is 0.739 or something like that. So that's the root or the solution to the original equation we were looking for, x equals cosine x. ये number 0.79 ऐसा number है जो बराबर है cosine of itself के. That was the point that we were trying to find out, the number, and we have approximated it using Newton's method. अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस प्रोसेस में, तो उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। तो लेट्स लुक एट दीज थिंग्स। न्यूटन्स मेथड में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर आपका
कोई वैल्यू है आगे चल के, यानी एन वैल्यूज होती हैं, यानी बहुत सारी आप रेपिटेशंस कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, तो किसी जगह जाके इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स एन इक्वल जीरो, यानी टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो आ गया, देन योर फॉर्मूला विल बेसिकली नॉट वर्क. और वो इसलिए नहीं काम करेगा कि सबसे पहले तो ये कि टेंजेंट लाइन ड्रिविटिव अगर जीरो है तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इट विल नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, सो यू आर स्टक. ज्योमेट्रिकली तो इस तरह भी सोच सकते हैं. उसके अलावा एलजेब्रिक फॉर्मूला जो हमने देखा था अप्रोक्सीमेशन का, उसमें डिवाइड कर रहे थे आप डेरिवेटिव से, एवेल्यूएटेड एट अ पॉइंट, यानी इन दिस केस इट विल बी एक्स एन. तो अगर आप एक्स एन पे अगर आपका डेरिवेटिव जीरो है, यू डिवाइडिंग बाय जीरो विच इज नॉट अलाउड. तो ये प्रॉब्लम एक है इसमें न्यूटन्स मेथड में, जिसके जिससे हमें खबरदार रहना चाहिए. अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि एक प्रॉब्लम थी न्यूटन्स मेथड में, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसमें एक प्रॉब्लम और भी है न्यूटन्स मेथड में, वो ये है कि हमने जैसे अभी देखा कि हमने बहुत सारे रेपिटेशंस किए फॉर्मूले के, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिजल्ट कन्वर्ज होने लगा एक सर्टन नंबर पे. इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, यानी बहुत सारे केसेस में तो ऐसा ही होगा, और इसीलिए हमारा ये फार्मूला काम करता है कि वो पिक्चर जो बनी हुई थी कि एक टेंजेंट लाइन, फिर दूसरी ऐसे, फिर तीसरी ऐसे, और आपके जो इंटरसेप्ट थे वो अपने सोल्यूशन के करीब आ रहे थे. कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ना हो. तो इसकी एग्जाम्पल्स कुछ जो हैं वो आप बुक में होमवर्क असाइनमेंट्स में भी दी हुई हैं, उनको कर लीजिएगा, एंड यू सी दैट दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट न्यूटन्स मेथड सफर्स फ्रॉम. तो ये परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड वन, ये बहुत सारे फंक्शंस के लिए काम करता है. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम न्यूटन्स मेथड की बात ख़त्म करते हैं और हम आगे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रोल्स थ्योरम. तो रोल्स थ्योरम क्या है इसको देख लेते हैं. लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम एंड देन वील टॉक अबाउट इट. रोल्स थ्योरम बेसिकली सेज दैट let f be a differentiable function on the open interval ab and continuous on the closed interval ab if f of a equals f of b equals 0, then there is at least one point c in the open interval a comma b where the derivative of the given function evaluated at c equals 0. तो ये जनाब आपकी स्टेटमेंट है इस थ्योरम की. अब ठीक है, इसको हम याद तो कर सकते हैं, वी कैन कमिट इट टू मेमोरी, लेकिन दैट विल बी गुड, लेकिन हमें समझना चाहिए कि क्या क्या रहा है ये थ्योरम. तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. सबसे अच्छी बात करने की इसके बारे में ये है, रोल्स थ्योरम के बारे में अगर हम इसको मज़ीद समझना चाहें तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाएंगे कि ये थ्योरम क्या क्या रहा है. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल जनाब है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि जिसको हम कहते हैं जी साइन एक्स है ये. दिस द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स एंड दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. यानी जो साइन एक्स फंक्शन है इसकी हमने बात की थी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आपको याद हो पहले से कि ये डिफरेंशिएबल भी है, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द रियल नंबर लाइन एंड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ठीक है, तो ये एक तरह से रोल्स थ्योरम के जो हाइपोथेसिस हैं उसको सेटिस्फाई करता है. इसके अलावा ये कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल 0, 2π, यानी जो क्लोज इंटरवल है 0, 2π, इट इज सर्टनली कंटिन्यूस ऑन दैट एंड इट इज सर्टनली डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 0, 2π. और इसके अलावा ये भी देखें कि एफ ऑफ 0 इक्वल साइन ऑफ 0 इज 0 एंड एफ ऑफ 2π इक्वल साइन ऑफ 2π इक्वल्स 0. अच्छा जी, तो ये सारी कंडीशंस बताती हैं कि ये हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन ऑफ द रोल्स थ्योरम. तो इसके हिसाब से हमें कहना चाहिए कि इसका एक जो इंटरवल है 0 to 2π, उसमें कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है सी जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा. यानी इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन है का डेरिवेटिव है कोसाइन एक्स, और एक कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0, 2π सच दैट कोसाइन ऑफ सी इक्वल 0. तो ये आप बल्कि चेक कर सकते हैं, अगर इसको आप ड्रॉ करें, ग्राफ करें इसको सिचुएशन को इस एग्जांपल की, यू कैन सी दैट दैट्स एक्चुअली इंडीड ट्रू. अच्छा, ये तो हमने एक मैथमेटिकल एग्जांपल देख ली, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी देख ली. अब ये करते हैं कि कुछ थोड़ा सा इसकी फिलॉसफी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर, यानी क्या कहना क्या चाह रहा है रोल्स थ्योरम. तो इसको वही बात है, मैं ये एग्जांपल कई दफ़ा दे चुका हूँ, शुरू के लेक्चर्स में भी दी थी और मेरे हाल से पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था
लाहौर से इस्लामाबाद आने की बात करते हैं, ठीक है। मुझे लोगों ने कहा मैं इस्लामाबाद से लाहौर आने की बात बहुत करता हूँ, तो भाई तो मैं और क्या कर सकता हूँ, इट्स सच अ गुड एग्जाम्पल, यानी वेरी अप्लाइड रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो अब यह है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से, जब पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि एक कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी जो यहाँ से इस्लामाबाद से मैं लाहौर आता हूँ या लाहौर से इस्लामाबाद जाता हूँ, तो एक सर्टन डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, यू कैन व्यू दैट एज अ कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन ये है कि इसमें फिर हमने बात की थी, इसकी एग्जाम्पल की थी, और एक और थ्योरम था जहाँ पे हमने देखा था कि दैट थ्योरम मेड सेंस इन रिगार्ड्स टू दिस एग्जाम्पल। अब रोल्स थ्योरम की को देखते हैं इसी एग्जाम्पल के हवाले से। तो अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जब बात करते हैं कि जी मैं बस में बैठ के लाहौर से रवाना हुआ इस्लामाबाद की तरफ, तो ठीक है डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया तो यहाँ पे ज़ाहिर है बस एक रफ्तार से चलती है, तो हम रफ्तार की बात करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट डिस्टेंस एनी मोर, लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बस जो मुझे यहाँ से लेके जा रही है लाहौर से इस्लामाबाद तक। तो अब वेलोसिटी अगर आप सोचें, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्सो, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बस की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, कभी बहुत स्लो हो जाए, 90 किलोमीटर्स पे आ जाए या 110 पे चली जाए। अभी फिर वही बात है कि मोटरवे पे ही जा रहे हैं, वी नॉट टेकिंग द जीटी रोड। तो इसमें यह है कि इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द वही बस डाइवू की है, लाहौर में जो डाइवू का स्टेशन है वहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इनिशियल मेरी पोजिशन क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बस की, इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो, क्योंकि बस रुकी हुई है ऑब्वियसली। और जब पिंडी के स्टेशन पे मैं पहुँचता हूँ डाइवू के, तो अगेन मेरी जो बस की वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये देखिए कि सबसे पहले तो अब जो इंटरवल इन्वॉल्व्ड है वो क्या है, इंटरवल जो है वो है यहाँ पे डाइवू स्टेशन लाहौर से लेकर मोटरवे को क्रॉस करके ऑल द वे टू रावलपिंडी डाइवू स्टेशन, तो ये आपका इंटरवल हो गया, इसमें हम टाइम मेजर करेंगे, ठीक है जी। तो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो रोल्स थ्योरम की जो एक कंडीशन है वो तो मीट हो रही है कि जो फंक्शन है वी ऑफ टी कह लें उसे, वो इनिशियल वैल्यू पे भी ज़ीरो है, इंटरवल अगर ए से बी कह लें तो यहाँ लाहौर में भी ज़ीरो है वेलोसिटी, इस्लामाबाद जाके भी ज़ीरो हो जाएगी बस की। इन बिटवीन इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी मोटरवे पे जब बस रुकती भी है किसी सर्विस स्टेशन पे, स्टिल इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि टाइम चल रहा है और जो आउटपुट वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो है, स्टिल इट्स अ वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि अगर ये सिचुएशन सारे जो फंक्शन की मैंने बात की एक डिफाइन किया सिचुएशन में, इट सेटिस्फाइज रोल द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी there is at least one point on the motorway somewhere where the rate of change of velocity, which is what, which is the acceleration, has to be zero. ठीक है जी, अब ये सोचने वाली बात है। तो ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है, तो हम क्या करें, लेकिन थोड़ा सोचें कि हुआ क्या, यानी क्यों गारंटीड है कि जो एक ऐसा पॉइंट है मोटरवे पे, कहीं ना कहीं किसी एक वक्त पे ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे बस की एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ठीक है, एक तो हम ये सोच सकते हैं कि जी बस पूरी रफ्तार पे जा रही है, जो भी इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो जाहिर है उससे ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोटरवे पुलिस वाले बड़े तेज़ हैं, वो आपको रोक लेंगे, तो ऑफकोर्स वी कैन इमेजिन कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो फिर ऐसा क्या पॉइंट आ सकता है, क्यों आता है, क्यों गारंटीड है कि आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, क्या बस ड्राइवर से हमारी डील हुई है कि जी आपको किसी जगह जाके एक्सेलरेशन ज़ीरो करनी ज़रूर है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए, कभी स्लो कम हो के नेगेटिव में चली जाए, व्हाई डज इट हैव टू बी ज़ीरो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स गारंटीड बाय रोल्स थ्योरम, बट व्हाई इज़ इट गारंटीड, समथिंग टू थिंक अबाउट, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट। मैथमेटिक्स में इस तरह की बहुत से मज़ेदार चीज़ें होती हैं, एक थोड़ा सा हट के है इस टॉपिक से, वो है कि जी हायर लेवल पे हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक गेंद है, यानी जैसे दुनिया का स्फीयर होता है जिस पे हम रहते हैं, प्लैनेट अर्थ, इस पे एक कोई ऐसा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो उसमें अंडर सर्टन कंडीशंस वो गारंटी करता है कि गिवन एनी टू पॉइंट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, आपको नहीं पता वो पॉइंट्स कौन से हैं, लेकिन उन दो पॉइंट्स पे
temperature and air pressure will be exactly the same, guaranteed. Yani we don't know what those two points are. It could be north pole, south pole, it could be anywhere. But ye bada ajeeb si baat hai ki guaranteed hai by mathematics that at least two points exist on the planet Earth where air pressure and temperature will be the same at a given moment in time, because those two are continuous functions. तो ये भी एक मजे की बात है, सोचने वाली बात है, बट अगेन ज्यादा स्कोप से बाहर है इस कोर्स के, लेकिन वही बात है कि रोल्स थ्योरम वाली एग्जांपल जो की वो भी इसी से मिलती जुलती है. एंड आई थिंक आई होप यू सी व्हाई मैथमेटिक्स इज सो इंटरेस्टिंग. यहाँ पे अब थोड़ा सा सेंस होता है कि व्हाई वी शुड अप्रिशिएट इट. अच्छा जी, तो ये तो हमने बातचीत कर ली रोल्स थ्योरम की और सारी मजेदार बातें कर ली. मीन वैल्यू थ्योरम कर लेते हैं जो आज का आखिरी टॉपिक है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट्स सी व्हाट द स्टेटमेंट सेज. स्टेटमेंट इज mean value theorem says that let f be a differentiable function on the open interval a and b and continuous on the closed interval a b. ye Rolle's theorem wali type ki hai requirements. Then there is at least one point c in the open interval a b where the derivative of the given function at that point c is equal to in other words, you could say that the slope of the tangent line at that point C to the graph of the function f is equal to the secant line joining the two endpoints of the interval AB. तो ये एक तरह की generalization है Rolle's theorem की. तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका proof भी देख लेते हैं बल्कि. तो आइए देखते हैं. Note कीजिए कि अगर हम इसकी एक तरह से बल्कि हमने अभी इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं पहले कि सिचुएशन है क्या मीन वैल्यू थ्योरम की, फिर इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं. तो लेट्स लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में देखिए कि एक तरह से आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है एक इंटरवल पे ए बी पे, और एक सीकेंट लाइन है जो ए बी को ज्वाइन कर रही है, और बीच में एक पॉइंट सी है जहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल आता है, बराबर आता है. तो इस पिक्चर से जाहिर होगा, बल्कि अगर आप गौर से देखें टेक्स्ट बुक में भी आपके, कि ये सी ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड द सीकेंट लाइन इज द मैक्सिमम. तो यहाँ पे वही बात आ गई कि अब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. तो आइए इस प्रूफ को करते हैं. इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी अप्लाई ऑल द स्टफ वी लर्न बिफोर. यहाँ पे देखते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं वी ऑफ एक्स. लेट्स डिफाइन इट एज अ फंक्शन एंड लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज दैट. तो यहाँ पे देखिए एक फिगर बना लेते हैं. ये वही फिगर है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था. इसमें अब ये देखें पिक्चर में कि पिक्चर से जाहिर होता है इक्वेशन ऑफ द सीकेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, विच हैव सर्टेन कोऑर्डिनेट्स, हैज द इक्वेशन y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए. तो ये इक्वेशन तो लाइन की आ गई, जरा सी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग है, बट इट्स बेसिकली द सेम. ये वहां से आई है जो एक सिंपल फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का. प्रॉब्लम ये है कि जो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस. अच्छा, अब ये चीज इंप्लाई करती है कि वाई शुड इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए. यानी बेसिकली आपने माइनस एफ ऑफ ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो था वो दोनों साइड उसको एक तरह से आप मूव करके इधर ले आए राइट हैंड साइड पे, तो एक नई एक्सप्रेशन आ गई है. अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं इसके साथ क्या मैनिपुलेशंस की जा सकती हैं. अब ये देखें कि v ऑफ x जो वर्टिकल डिस्टेंस जिसकी बात की थी हमने बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड द सीकेंट लाइन कैन बी रिटन एज, इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं. और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स माइनस जो अभी एक्सप्रेशन y के लिए आई थी वो. तो ये एक्सप्रेशन क्या चीज है? ये बेसिकली आपने डिस्टेंस मालूम किया है बिटवीन एफ ऑफ एक्स, जाहिर है चूंकि ग्राफ है, और जो सीकेंट लाइन पे पॉइंट है गिवन बाय दैट फॉर्मूला. तो अब देखिए कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, सो इज वी ऑफ एक्स. तो ये वी ऑफ एक्स क्यों है डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस ऑन द गिवन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स? इसलिए कि इसके फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व्ड है, और एक जो दूसरा फॉर्मूला था जो जो पॉइंट था जो आपने माइनस किया इसमें से, वो भी एक तरह का एक कंटिन्यूस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो आई थिंक यू कैन सी दैट जस्ट बाय द फॉर्मूला फॉर वी ऑफ एक्स. आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं.
अब देखिए कि एक बात और नोट कीजिए कि v ऑफ a जो है वो जीरो है, a सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में तो जीरो आ जाता है, और v ऑफ b जो है वो भी जीरो है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है v ऑफ x जो मेजर कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, वो रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा वी कैन अप्लाई इट हियर। एंड व्हेन वी अप्लाई दिस वी सी दैट देयर शुड बी अ पॉइंट c इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी बाय रोल्स थ्योरम, सच दैट द डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x v prime at evaluated at c should equal 0. But now note that the derivative is just f prime x minus f of b minus f of a divided by b minus a. This implies that if you evaluate this at c, you get v prime of c equals f prime c minus f of b minus f of a divided by b minus a. So by this last formula jo abhi humne dekha, at the point where v prime of c is 0, we have f prime c equals f of b minus f of a divided by b minus a. तो जनाब ये आपका प्रूफ हो गया रोल्स थ्योरम का। प्रूफ्स में कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी कि लेक्चर के दौरान थोड़ा एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। वही बात है जो बाकी कुछ रह गया, यू कैन ऑलवेज ई मेल एंड वी कैन टॉक अबाउट इट एंड वी कैन डिस्कस इट देन एंड देयर। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने क्या बातचीत की, बहुत सारी की, न्यूटन्स मेथड देखा, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन, उसकी बैकग्राउंड देखी, हिस्ट्री क्या थी। इसके अलावा जो ज़्यादा मज़े की बातें जो मुझे लगी वो फंक्शंस की थी, वो रोल्स थ्योरम की थी, जब मैंने वो आपको एग्जाम्पल दी कि जी देर हैज़ टू बी अ पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन हैज़ टू बी ज़ीरो, वो जो यहाँ से लाहौर जाने इस्लामाबाद वाली एग्जाम्पल है उसकी। तो आई होप यू एटलीस्ट अप्रिशिएट दैट एग्जाम्पल, उसके बारे में थोड़ा सा और सोचिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलें यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, खुदा हाफिज़।